everyone, welcome back to my channel Dr. Shivani's Dream Life. I am Dr. Shivani Singh and I am a dental surgeon. और जैसे कि मैं आपके लिए recently कुछ time से dental health and care पे videos बना रही हूँ और आपको कुछ topics पे मैं आपके सामने बात करती हूँ और आपको थोड़ा बहुत knowledge उससे मिल रहा होगा, तो उसी के चलते आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसको हम लोग आज बात करने जा रहे हैं फ्लोरोसिस पे. फ्लोरोसिस मतलब कि आपने देखे होंगे कि कुछ लोगों के दांतों में आपने देखा होगा डिसकलरेशन, मतलब दांत अलग अलग कलर में दिखते हैं, ज़्यादातर ब्राउन स्टेन्स दिखते हैं. कोई दांत में हल्का सा येलोइश कलर्ड है तो कोई ब्राउन कलर में है, तो उसी को हम लोग फ्लोरोसिस बोलते हैं. आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लग रही हैं. और अगर आपको मेरी वीडियोज़ से कुछ भी नॉलेज या कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है तो इसको भी आप आगे भी शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड नोन को भी शेयर करके आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे और यही जानेंगे कि फ्लोरोसिस होता क्या है और इसके क्या कॉजेस हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं और क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है इसको ठीक करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि फ्लोरोसिस होता कैसे है और ये है क्या. तो फ्लोरोसिस इज अ कॉस्मेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द टीथ. इट कॉज ड्यू टू ओवर एक्सपोजर टू फ्लोराइड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ लाइफ. हमारी बर्थ के बाद के लाइफ के जो फर्स्ट 8 इयर्स होते हैं उस टाइम पे फ्लोरोसिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे परमानेंट टूथ का इरप्शन होता है. तो परमानेंट टूथ के इरप्शन के टाइम पे जो प्रोसेस चल रहा होता है इरप्शन का, उस टाइम पे अगर हमारे टूथ फ्लोरोसिस की ज्यादा क्वांटिटी से एक्सपोज हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे टूथ में फ्लोरोसिस हो जाती है. और उस टाइम पे जब हमारे टीथ इरप्ट कर रहे हैं तो जिस टूथ में हमारे फ्लोरोसिस हो चुकी है वो टूथ हमें धीमे धीमे उसका कलर चेंज होने दिखता है और वो माइल्ड डिसकलर टूथ हो जाते हैं. कभी कभी कुछ टूथ में वाइट कैकी टाइप का एक्सपोजर दिखता है और ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपके टूथ में जो दिखने लगते हैं धीमे धीमे एज के आगे, वो फ्लोरोसिस के बढ़ने का एक साइन होता है और जैसे आपके टूथ में फ्लोरोसिस होने लगती है. कभी कभी टूथ में एक लैक की व्हाइट मार्किंग्स भी दिखती है जो कि आप अपने तरफ से नहीं समझ सकते हैं. कभी कभी जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने चेकअप के लिए या फॉलोअप के लिए तो डेंटिस्ट उसको देख के समझ जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपका जो आपके टूथ्स हैं वो माइल्ड डिसकलर्ड हैं और उसमें ये सारे व्हाइट मार्जिन्स आ रही हैं तो आपको फ्लोरोसिस हो चुकी है और इसका ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा. कभी कभी सीवियर केसेस में क्या होता है कि जब फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो हमारे टूथ जो होते हैं उसमें स्टेनिंग आने लगती है. स्टेनिंग जो रेंज करती है आपके येलो से डार्क ब्राउन के रेंज में. कभी कभी हमारे जो टूथ होते हैं वो उनकी जो सरफेस होती है वो इरेगुलर हो जाती है. वैसे तो फ्लोरोसिस कोई डिजीज़ नहीं है, बट इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेसिंग भी हो सकते हैं और डिफिकल्ट टू ट्रीट भी हो सकते हैं. जो पेरेंटल आपका विजिलेंस होता है इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके जो फ्लोरोसिस को प्रिवेंट करने में. सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्लोरोसिस. तो सबसे बड़ा मेजर कॉज होता है आपका फ्लोरोसिस का इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ फ्लोराइड कंटेंट्स. डेंटल प्रोडक्ट्स में जो हमारे फ्लोराइड कंटेंट्स इनअप्रोप्रिएट तरह से होते हैं उसकी वजह से होता है. लाइक आपके टूथपेस्ट हो गए, माउथ रिंसेस हो गए, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो फ्लोरेटेड टूथपेस्ट वगैरह आप लोग अपने बच्चों को देने लगते हो तो उसके वजह से जो बच्चे होते हैं उसको सॉलो कर जाते हैं. तो सॉलो तो वैसे भी हमें नहीं करना होता है लेकिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती और वो टूथपेस्ट को उनके टेस्ट और फ्लेवर की वजह से सॉलो करने लगते हैं, तो बच्चों के दांतों में फ्लोरोसिस की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो इनअप्रोप्रिएट यूज में फ्लोराइड को कंटेंट को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं या अपने अंदर उसको ले. और इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कॉजेस भी होते हैं फ्लोरोसिस कॉज करने के. लाइक आप एक स्टेबल अमाउंट के बदले आप हायर देन उससे ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट या फ्लोराइड सप्लीमेंट अपने अर्ली चाइल्डहुड में ले रहे हैं तो वो भी एक आपके आगे टाइम जाके फ्लोरोसिस कॉज कर सकता है. सो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे आप फ्लोरेटेड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हो या फ्लोरेटेड आप जूस वगैरह या लिक्विड कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें सप्लीमेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं करें और एक सुटेबल
अमाउंट पे आपके निर्धारित अमाउंट का फ्लोरिनेटेड ही वाटर आप यूज करें और उतनी ही अमाउंट की चीजें आप अंदर सप्लीमेंट वगैरह अपने बॉडी में इंटेक करें, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर जाके फ्लोरोसिस के चांसेस नहीं बढ़े। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस के सिम्टम्स आपको सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि आपके टूथ डिसकलर्ड हो जाते हैं, तो व्हाइट आपके लाइन में हल्के हल्के व्हाइट मार्किंग्स आने लगेगी, आपके टूथ में हल्का सा मतलब येलोइश कलर से आपके टूथ होने लगेंगे, देन आपका वो ब्राउन से डार्क ब्राउन में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं आपके फ्लोरोसिस को बढ़ने की। तो सिम्टम्स आपके यही हैं, आपके टूथ में आपको दिखने लगेगा धीमे धीमे व्हाइट स्ट्रीकी कैक की लाइंस दिखती हैं और आपके टूथ डिसकलर्ड होने लगते हैं। और आप इसको डिफर ऐसे कर सकते हैं कि आपके जो टूथ विदाउट फ्लोरोसिस वाले हैं वो आपके शाइन भी करेंगे, ग्लो भी करेंगे और वो अनएफेक्टेड है आपके ये जो टूथ कलरेशन आपके टूथ में स्टेनिंग हुई है इससे। तो आप उसको अपने आप से ही पहचानने लगोगे कि हमारा ये टूथ डिसकलर्ड हो गया है, तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो वैसे इन डेंटल टर्म्स में हमारे यहाँ फ्लोरोसिस को कई स्टेजेस में डिवाइड किया गया है उनके सिवियरिटी के हिसाब से कि कौन सी स्टेज में आपकी जो फ्लोरोसिस है वो कम है या हाई है। तो उसको हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले आती है क्वेश्चनेबल फ्लोरोसिस की मार्किंग आती है, देन आपकी वेरी माइल्ड आती है, देन माइल्ड आती है, देन मॉडरेट एंड देन सीवियर। सबसे ज्यादा सीवियर होती है क्वेश्चनेबल में। हम ये कहते हैं कि आपका इनेमल सरफेस जो है वो स्लाइटली चांसेस है कि आपका वो फ्लोरोसिस में इन्वॉल्व हो। वेरी माइल्ड में हम लोग ये कहते हैं कि आपका हल्का सा पेपर वाइट एरिया जो आपका होता है स्कैटर्ड हो जाता है वाइट कलर्ड से, टूथ पे हल्के से कैके लाइंस आने लगती हैं, तो आपका वो वेरी माइल्ड फ्लोरोसिस आपके स्टेज में आ चुका है। माइल्ड आपका जो आता है, माइल्ड में ये होता है कि आपका थोड़ा जो सरफेस है वो आपका 25% टूथ बचा है, बाकी पूरा एरिया जो उसने वो कवर कर लिया है आपके टूथ को, तो वो फ्लोरोसिस में आ गया। देन आपका आता है मॉडरेट, मतलब होता है वाइट ओपेक एरिया जो है वो पूरा इफेक्ट कर गया है 50% से भी ज्यादा आपका इनेमल सर्फेस को, तो ये आपका मॉडरेट में आ गया। सीवियर में होता है कि आपका जो इनेमल सर्फेस वो पूरा इफेक्ट हो चुका है फ्लोरोसिस की वजह से, तो आपके टूथ पूरा डिसकलर्ड हो चुका है, पूरा उसमें फ्लोरोसिस आ चुका है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस के ट्रीटमेंट में आप बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें माइल्ड स्टेज में फ्लोरोसिस है, तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, देयर इज नो नीड टू ट्रीट, बिकॉज माइल्ड फ्लोरोसिस होती है तो कभी कभी आप जैसे अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं धीमे धीमे वो कम भी हो जाती है। जो माइल्ड फ्लोरोसिस होती है उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि जो टूथ होते हैं वो ज्यादातर बैक साइड के टूथ उसमें एक्सपोज होते हैं, वो ओवर एक्सपोज होते हैं फ्लोराइड की वजह से, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है भी नहीं। बट ऑन द स्टेज कि आपका जो फ्लोरोसिस है वो मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में आ चुका है, तो उसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसमें ट्रीटमेंट मस्ट है कि आपको जैसे ही आपको मालूम पड़े कि आपका टूथ फ्लोरोसिस आपको हो चुकी है तो आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारी वैरायटीज ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा एम ये होता है कि आपके जो टूथ में स्टेनिंग आ चुकी है हम उसको हटाएं, उसको मास्क करें, जिससे कि आपका जो टूथ है वो थोड़ा सा स्टेज बाय स्टेज थोड़ा सा कम कलर्ड में आए और आपके टूथ के जो नेचुरल कलर्स में दिखने लगे। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक है लाइक टूथ व्हाइटनिंग और ऐसे अदर प्रोसीजर्स हैं जिससे आपका जो इनेमल सर्फेस और टूथ सर्फेस है उसको हम धीमे धीमे कलर्ड मतलब थोड़ा सा व्हाइटनिंग उसमें लाते हैं, जाके आपका जो फ्लोराइड जो टूथ है आपके जिसमें फ्लोरोसिस हो चुकी है वो थोड़ा सा मैच कर जाए आपके जो नॉर्मल टूथ में, उनका जो ग्लो है उनके जो मतलब विदाउट स्टेनिंग में है तो वो थोड़ा सा उसमें कवर कर ले। नेक्स्ट टेक्निक है बॉन्डिंग, जिसमें क्या होता है कि आपके जो टूथ होते हैं उसको हम लोग एक कोट कर देते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं जो कि आपका इनेमल सरफेस आपका जो इनेमल से जाके बॉन्ड हो जाता है, एक रेजिन का हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, जो आपके टूथ को जो टूथ का जो सर्फेस है उसमें हम लोग रेजिन का बॉन्ड लगाते हैं जो कि आपके इनेमल सर्फेस से जाके बॉन्ड होता है। अदर टेक्निक्स भी होती हैं लाइक हम उसमें क्राउन प्लेसमेंट करते हैं, वेनियर्स लगाते हैं और MI पेस्ट भी लगाते हैं। लाइक क्राउन्स के बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि क्राउन प्लेसमेंट कैसे होता है। विनियर्स लगाने में ये होता है कि आपका जो टूथ सरफेस होता है उसको हम एक कस्टम मेड शेल देते हैं, उसको कवर करते हैं फ्रंट ऑफ द टूथ, जो टूथ का जो फ्रंट सरफेस है उसको हम लोग एक शेल से कवर कर देते हैं, इसको हम लोग विनियर्स बोलते हैं। आपका MI जो आपका पेस्ट वगैरह है लाइक कैल्शियम फॉस्फेट पेस्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हम लोग कंबाइन करते हैं एक मेथड से, इसको हम लोग माइक्रो एब्रेज करते हैं टू माइज द टूथ डिस्कलरेशन। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग मेथडली यूज करते हैं अगर आपके टूथ के जो फ्लोरोसिस है वो मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में आ चुकी है,
तो आपको उसके लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना पड़ेगा और आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम फॉलोअप के लिए भी जाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए सेटिंग्स होती हैं और ये सारे ट्रीटमेंट अलग अलग रेंज में है, अलग अलग कॉस्ट में है, सबका टाइम ड्यूरेशन अलग है, सबकी स्ट्रेंथ, सबकी ड्यूरेबिलिटी और हर चीज़ अलग है। वो आपका डेंटिस्ट आपको पर्सनली देख के ही, आपको डायग्नोज करके ही बता सकते हैं कि आपके टूथ की क्या नीड है और आपको अगर फ्लोरोसिस हुई है तो वो कौन सी स्टेज में है और उस पर क्या ट्रीटमेंट जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रिवेंशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंटल विजिलेंस इज द की फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्लोरोसिस। साथ ही साथ अगर आप पानी वगैरह पीते हैं तो आपको अपने पानी में फ्लोराइड की मात्रा को हमेशा चेक करके रखना है कि उसमें कोई मात्रा ज्यादा ना हो जाए, ना फ्लोराइड की मात्रा कम हो, कि आप जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं उसमें एक अप्रोप्रिएट मेजर में वाटर क्वांटिटी में फ्लोराइड मात्रा रहे जिसको आप ड्रिंक कर रहे हो। आप कोई भी फ्लोराइड सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा गेन नहीं करें, अपने बॉडी में इंटेक नहीं करें। अगर आप कोई चीज लिक्विड ड्रिंक कर रहे हैं या फ्लोराइड सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही उसको आप इंटेक करें, ज्यादा अमाउंट में नहीं करें। और अगर आपके चाइल्ड हैं या आप खुद एक मतलब अपने ग्रोइंग स्टेज में हो तो बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप उनको फ्रूट जूस वगैरह या कोई फ्लोराइड सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे हैं तो ज्यादा इंटेक उनको नहीं करवाएं। और अगर वो टूथपेस्ट वगैरह उनको फ्लोरेटेड आप दे रहे हैं तो आप ये कोशिश करें आप ये देखने की कि बच्चे उसको सॉलो नहीं करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी वजह से आपके टूथ ओवर एक्सपोज हो जाएंगे फ्लोरिन की मात्रा से और उसमें फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाए। सो गाइज, ये था मेरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, छोटा सा है थोड़ा सा, लेकिन एक मेजर टॉपिक है क्योंकि आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फेसिंग फ्लोरोसिस और इसकी वजह से उनको बहुत सारा स्माइल करने में प्रॉब्लम होती है। उनका जो एक फेस का स्ट्रक्चर है वो टूथ डिस्कलरेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर आ रही है, वो डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं स्माइल करने में, बात करने में, बोलने में। तो एक अगर आपका कहते हैं ना कि टूथ का स्ट्रक्चर अगर आपका बहुत अच्छा है और तो आपको स्माइल करने में भी कॉन्फिडेंट आता है, आपको बात करने में बहुत अच्छा लगता है, आपको अपना फेस, अपना जो पूरा एक गेटअप है आपको वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके टूथ आगे से ख़राब होते हैं, लाइक स्पेसिंग आती है, टूथ कलर डिस्कलर हो जाते हैं, तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है और आपको बात करने में और स्माइल करने में अच्छा फेस नहीं आता है। तो ये एक मेजर टॉपिक था, मैंने इस पर आपके बात करने के लिए बहुत टाइम से सोचा हुआ था तो इसलिए आज मैंने बात किया है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। तो गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा एंड टू कमेंट्स ऑल्सो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ उनको आगे शेयर भी करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, और मैं आपके लिए इसी तरह से न्यू वीडियोस लेके आती रहूँगी और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।